हेलो बच्चों, तो नन्हे मुन्ने बच्चों क्लास 11th के, आज आप लोगों का टेस्ट है। तो टेस्ट का वीडियो आप लोगों के पास पहुंच रहा है। तो बेटा देखो, क्लास 11th में तुम लोग हो और तुम लोग के पास बेटा 2 साल का मौका है। क्लास में भी ये बात बताते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं बताएंगे। तो बेटा 2 साल आपके पास मौका है, तो अपने आप को एकदम नीट की तैयारी के लिए तैयार कर लीजिए। बेटा 2 साल में चाहोगे तो इतिहास बदल जाएगा, रैंक आ जाएगी। 2 साल में बहुत कुछ होता है, तो बेटा मेहनत करो, खूब ज़बरदस्त टेस्ट दो, क्लास लेक्चर ध्यान से सुनो, आराम से एक एक चीज़ को पढ़ो और टेस्ट को अच्छा करो। तो बेटा ये आपका मोशन इन स्टेट लाइन है, तो ये आपका ख़त्म हो गया। अब इसके बाद इसका टेस्ट हुआ, 2-3 टेस्ट हुए, जिसमें आज ये इसका फाइनल टेस्ट है। तो अब ये फाइनल टेस्ट के में क्या क्या चीज़ें हैं बेटा, 2 साल के बाद आप भी याद रखिए इस तरह से, यहाँ पे अपने घर पे, हमारे दिल में, लोगों के दिल में, और ख़ुद अपने लिए क्या है, जगह बनाएंगे, एक मेडिकल कॉलेज में अपनी जगह बनाएंगे बेटा, आप लोग भी। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, पार्टिकल एक्सपीरियंस क्या करा है, एक्सीलेशन फॉर 20 सेकेंड के लिए है। After starting from rest, it travel distance as one in the first 10 seconds and next. तो मैंने आपको बताया था क्लास लेक्चर में, आपने ध्यान दिया था कि जब इक्वल टाइम इंटरवल होता है, तो चाहे ऊपर से कोई नीचे की चीज़ गिराई जाए और चाहे हॉरिजेंटल सरफेस पे कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से चले, अगर इक्वल टाइम इंटरवल है तो उस दशा में ध्यान दीजिएगा, टाइम इंटरवल अगर इक्वल है तो वहाँ जो डिस्टेंस कवर्ड है, इनका रेशियो जो होता है 1:3 क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, तो पहले 10 सेकंड में अगर S1 डिस्टेंस तय कर रहा है, तो S1 अपॉन अगले नेक्स्ट, तो 1/3 क्या होगा, 3, या S2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 3S1 होगा। तो ये चीज़ ध्यान देना, S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3S1 हो जाएगा, तो 1C हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा बच्चों, बॉडी मूव्स वन ए क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस आर, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे ये देखिए, ये इस तरह से है, क्वार्टर सर्कल में घूम रहा है। क्वार्टर सर्कल का मतलब कहाँ से कहाँ तक बेटा, ए से लेके बी तक घूम रहा है। ये देखिए क्वार्टर सर्कल, तो कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंटों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आर आर है, तो ये कितना हो जाएगा R/2। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr/4, 2πr/4 का मतलब πr/2, तो πr/2। तो ये देखिए, ये गलत लग गया है क्या, ये देखिए डिस्टेंस हो गया है, देखिए भाई करेक्शन कराना पड़ेगा ये, नहीं, अच्छा अभी देखते हैं क्या है। हाँ, डिस्टेंस आपका, डिस्टेंस ट्रेवल बाई, तो डिस्टेंस आपका हो गया πr/2, अच्छा सॉरी इसको हम देख रहे हैं, तो डिस्टेंस आपका हो गया πr/2, ये सही है। और डिस्प्लेसमेंट हो गया दो पॉइंटों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी बी वाला सही लगा है। तो दूसरे का ये बी हो गया। तीसरा देखते हैं, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो देखो, एक कंप्लीट करने में 40 सेकेंड लगा रहा है, कितना लगा रहा है, हाँ 40 सेकेंड, देखिए एक कंप्लीट करने में कितना लगा रहा है, 40 सेकेंड। देखिए यहाँ से लेके ए आ गया, ए से बी आ गया, बी से सी आ गया, सी से डी आ गया, मतलब ऐसे देखिए, ये ऐसे हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, कितना सेकंड लग रहा है, 40 सेकंड। व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो पहले देख लो, 2 मिनट 20 सेकेंड में, 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने टाइम हो रहे हैं, 6×2=1, यानी 140 सेकेंड हो रहे हैं। 140 सेकंड को जरा 40 सेकंड से डिवाइड करो, तो 3 राउंड लगेगा प्लस 20 सेकंड बच जाएगा। तो देखो, एक राउंड मारेगा, हाँ 3 राउंड लगेगा, एक राउंड ये मारा, अब फिर देखो एक राउंड और मारा, ठीक है, फिर देखो एक राउंड और मारा, मतलब कितना राउंड हो गया बेटा, 3 राउंड। अभी देखो 20 सेकंड बचा हुआ है, तो 20 सेकंड बचा हुआ है, तो इसका मतलब 20 सेकंड में कहाँ पहुँचेगा, आधा ही तो पहुँचेगा, यानी ए से लेके अगले 20 सेकंड में, यहाँ ए से लेके कहाँ पहुँचेगा, सी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, 2R हो जाएगा। ठीक है ना, तो तीसरा हो गया। फोर्थ देखिए क्या करा है, 2 बॉयज़ आर स्टैंडिंग एट द एंड ए एंड बी ऑफ ए ग्राउंड, हाँ देखिएगा, एंड ए एंड बी ऑफ ए ग्राउंड, देखिए ए एंड बी ऑफ ए ग्राउंड, ठीक है, 2 लड़के हैं, हाँ एक एंड आपका ए दिया गया है, एक एंड आपका बी दिया गया है, यहाँ पे हैं, चाहिए तो इसको यहाँ भी बना लीजिए डायग्राम, क्या कर रहा है, ऐसे देखिए इस तरह से है, ये मतलब एक ए है एक बी है,
इनके बीच का डिस्टेंस जो दिया गया है वह कितना दिया गया है। द बॉय एट बी स्टार्ट रनिंग इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी, ये देखिए इधर की तरफ जा रहा है परपेंडिकुलर टू ए बी विथ वेलोसिटी वी वन, विथ वेलोसिटी वी वन। द बॉय एट ए स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली विथ वेलोसिटी वी एंड कैच द अदर बॉय इन टाइम टी, मतलब एक यहाँ पे क्या है ये देखिए वी वेलोसिटी से जा रहा है और इसको कैच कर रहा पकड़ रहा अदर इन टाइम टी, वेयर टी इज, जहाँ टी क्या होगा, जहाँ टी क्या होगा। तो ये ध्यान दीजिए, मान लो यहाँ कहीं पकड़ेगा, ये कहीं यहाँ पकड़ लिया, ये देखिए ऐसे पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है ए है बी है और ये क्या दिया गया है, ये सी दिया गया है, देखिए ये दिया गया है, बी दिया गया है और ये सी दिया गया है, तो सी को सी पे कहीं पकड़ेगा। तो जितने समय में ये ऑब्जेक्ट मतलब ये पर्सन यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने ही समय में इस पर्सन को यहाँ से यहाँ दौड़कर इसको कैच करना मतलब पकड़ना पड़ेगा। तो ये बताइए मान लीजिए टी टाइम में पहुँचता है तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई वी वन टी, ये टी टाइम में पहुँचता है तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई वी टी। तो अब ये देखिए अगर यहाँ पर ये इसको कैच कर ले रहा है तो पैथागोरस थ्योरम को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, बिना पैथागोरस थ्योरम को फॉलो किए तो होगा नहीं। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर कितना है वी स्क्वायर टी स्क्वायर, ए बी कितना है ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर, बी सी कितना है वी वन स्क्वायर टी स्क्वायर, या यहाँ पे कितना हो जाएगा वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या टी स्क्वायर को बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बाई वी स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर, या टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट वी का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर। तो ये देखिए टाइम हो गया, क्या हो गया ये इतने समय में ये इसको कैच कर लेगा। तो टाइम वाला कौन सा है देख लो इसमें कौन सा सी वाला है, ठीक है। चार के बाद पांच पे चलते हैं, ए पर्सन ट्रेवल अलॉन्ग स्ट्रेट रोड फर्स्ट हाफ टाइम। तो मैंने आपको बताया है कि अगर दो इक्वल टाइम में ठीक है ऑब्जेक्ट अगर कवर करेगा तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वी वन प्लस वी टू बाई टू, और दो इक्वल डिस्टेंस में अगर कवर करता है तो टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, ये दोनों याद रखना क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ तो इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये दो इक्वल टाइम में कोई जर्नी कंप्लीट करता है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है वी वन प्लस वी टू बाई टू, और दो इक्वल डिस्टेंस में अगर कोई कवर करता है ये देखिए इक्वल डिस्टेंस में तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, बाकी अगर ठीक है कुछ इधर उधर है तो देखा जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ए वाला, ठीक है। पाँच के बाद छः देखो ये फिर आ गया, यहाँ पे कह रहा है कि बॉडी कवर वन बाई थ्री पार्ट, वन बाई थ्री पार्ट टू मीटर पर सेकेंड, वन बाई थ्री पार्ट थ्री मीटर पर सेकेंड, अगला सिक्स मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ एवरेज कितना हो जाएगा ये देखो एवरेज कितना हो जाएगा, यानी वी एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री वी वन वी टू वी थ्री अपॉन वी वन वी टू प्लस वी टू वी थ्री और प्लस क्या हो जाएगा वी थ्री वी वन हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तीन इक्वल पार्ट में कवर कर रहा है ना, मतलब एक जर्नी वन बाई थ्री पार्ट, ये वन बाई थ्री पार्ट, ये वन बाई थ्री पार्ट। अब आप वी वन वी टू वी थ्री की वैल्यू रख दीजिए थ्री मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना भाई। याद रखिएगा इसके क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये नीट में कभी ना कभी देखिए आएगा भी। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है बच्चा लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पॉइंट मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन एंड वी वन वी टू वी थ्री डिनोट द एवरेज वेलोसिटी इन थ्री सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम। देखिएगा ये कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई जर्नी ए से शुरू हो रही है, ए से बी पे पहुंच रही है, इसका समय टी वन है, बी से शुरू हो रही है सी पे पहुंच रही है इसका समय टी टू है, सी से शुरू हो रही है डी पे पहुंच रही है तो इसका टाइम कितना है टी थ्री है। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान दीजिए इसका टाइम इंटरवल दिया है, और ये देखना ए और बी के बीच की ये एवरेज वेलोसिटी है, ये बी और सी के बीच की एवरेज वेलोसिटी है, और ये जो है सी और डी के बीच की एवरेज वेलोसिटी है। तो इसका मतलब मान लेते हैं हम यू पे जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यू है, मोशन का पहला इक्वेशन लगाते हैं तो बी पे वेलोसिटी कितनी होगी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी वन हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए आगे की जर्नी के लिए ये क्या काम करेगा, आगे की जर्नी के लिए ये जो है इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यू प्लस ए टी वन आप प्लस क्या हो जाएगा ए टी टू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ए टी वन प्लस ए, हाँ टी टू हो जाएगा, ए टी वन प्लस ए टी टू हो जाएगा, ठीक है।
फिर डी पॉइंट पे क्या हो जाएगा आगे की जर्नी के लिए, अब देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा, तो डी पॉइंट पे कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, देखिए डी पॉइंट पे u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू और प्लस ए टी थ्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए टी थ्री हो जाएगा, क्यों भैया इनिशियल वेलोसिटी ये है तो पहले इक्वेशन के कारण ये दूसरे पे हो गया, ठीक है, इसको आगे की जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे तो ये सी पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई, ये आगे की जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा, ये डी पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई। अब एवरेज क्या दिया है, एवरेज तुमको यू और इस वी का सम दिया है, एवरेज मतलब क्या, एवरेज जो तुमको वी वन दिया है, वी वन क्या दिया है, वी वन यू प्लस, ये देखिए यू प्लस ए टी वन बाई टू दिया है एवरेज, ये देखो यू प्लस ए टी वन बाई टू दिया है, ये एवरेज दिया है, यानी यू प्लस, ठीक है, यू प्लस ए टी वन बाई हाँ टू, ये एवरेज दिया है, ठीक है। फिर वी टू कितना दिया है, ये देखो वी टू कितना दिया है, वी टू इसका एवरेज दिया है, यानी यू प्लस ए टी वन, ये देखो यू प्लस ए टी वन प्लस यू प्लस, हाँ ये देखिए ये क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू बाई कितना हो जाएगा टू, और वी थ्री कितना हो जाएगा, वी थ्री इसका एवरेज हो जाएगा, मतलब इसका और इसका एवरेज हो जाएगा, यानी क्या कहने का मतलब, यू प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू और प्लस कितना हो जाएगा, यू प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू और प्लस ए टी थ्री अपॉन कितना हो जाएगा टू। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है वी वन माइनस वी टू करिए, आइए वी वन माइनस वी टू किया जाए, तो बोलिए वी वन माइनस वी टू कितना हो जाएगा, यू यू कट गया ए टी वन कट गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए टी वन प्लस टी टू बाई टू। सिमिलरली आप क्वेश्चन में क्या कर दीजिए, वी टू माइनस वी थ्री कर दीजिए, ये देखिए वी टू माइनस वी थ्री यू कट गया ए टी वन कट गया ए टी टू कट गया, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ए देखिए टी टू प्लस टी थ्री बाई कितना हो जाएगा टू। चलो भैया ध्यान दो, दोनों का रेशियो निकाल लोगे तो वी वन माइनस वी टू अपॉन वी टू माइनस वी थ्री, या ये कितना हो जाएगा टी वन प्लस टी टू अपॉन टी टू प्लस टी थ्री हो जाएगा, ये देखिए टी वन प्लस टी टू अपॉन टी टू प्लस टी थ्री हो जाएगा, तो टी वन प्लस टी टू अपॉन टी टू प्लस कितना हो गया टी थ्री हो गया, ये हो गया आपका बी वाला, कौन हो गया ये बी हो गया, ठीक है ना भैया, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो सातवें का बी हो गया, ठीक है। अब आइए आठवें पे क्या कर रहा है, आठवें पे ए पॉइंट क्या कर रहा है, ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी वी नॉट, चलिए भैया हाँ इसको इस तरह मान लीजिए, कोई जर्नी बना लीजिए, आधी डिस्टेंस को किससे ट्रेवल कर रहा है वी नॉट को, और शेष आधी को दो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, दो इक्वल टाइम इंटरवल मतलब वी वन और वी टू, देखना ये दो इक्वल टाइम इंटरवल है, तो कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो इन सब के लिए देखिए सबसे पहले आप इसका एवरेज वेलोसिटी, दो टाइम इंटरवल में अगर ट्रेवल कर रहा है तो कितनी एवरेज वेलोसिटी होगी, बोलिए वी वन प्लस वी टू बाई टू, ठीक है। अब इसको ऐसे दो बराबर इक्वल डिस्टेंस में बांट लीजिए, ये देखिए इक्वल डिस्टेंस है, ये भी इक्वल डिस्टेंस है, ये भी इक्वल, तो इसमें कितना है वी वन प्लस वी टू बाई टू है, और यहाँ कितना है वी नॉट है, तो याद रखिए मैंने आपको बताया है दो इक्वल डिस्टेंस में अगर कवर करता है तो टू इस पार्ट की वेलोसिटी इनटू इस पार्ट की वेलोसिटी अपॉन इस पार्ट की वेलोसिटी प्लस इस पार्ट की वेलोसिटी, मतलब ये क्या हो जाएगा एवरेज बताओ, ये एवरेज हो जाएगा, यानी वी एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एवरेज इक्वल टू टू वी नॉट, उस पार्ट की वेलोसिटी कितनी है वी वन प्लस वी टू बाई टू अपॉन क्या हो जाएगा वी नॉट प्लस वी वन प्लस वी टू बाई कितना टू, या वी एवरेज कितना हो जाएगा ये बताइए, टू वी नॉट, टू टू कट गया, वी नॉट वी वन प्लस वी टू अपॉन कितना हो जाएगा टू वी नॉट और प्लस वी वन प्लस कितना हो जाएगा वी टू, तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हो गई, क्या हो गई यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हो गई, तो एवरेज वेलोसिटी टू वी नॉट वी वन प्लस वी टू है, कोई ऑप्शन एकदम है डी वाला, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान दें बेटा, मिला लिया करें टेस्ट को, हाँ टेस्ट भाई आपके पास पीडीएफ सॉल्यूशन भी पहुंच रहा है, हाँ हो सकता है किसी का नहीं पहुंचता, पीडीएफ सॉल्यूशन भी पहुंचता है, इस तरह की भी चीज़ें पहुंचती हैं, तो उनको मिला लिया करें बच्चों, ठीक है। आओ नवे क्वेश्चन में चलते हैं, द डिस्प्लेसमेंट यक्स ऑफ बॉडी मोशन इज गिवन, यानी यक्स इक्वल टू देखो ये डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, ठीक है भाई, तो यक्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट दे दिया है बच्चा लो, ये देखो यक्स इक्वल टू क्या दे दिया है ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, द टाइम एट विच डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, तो हमने मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, एक बार आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा,
dx अपॉन dt, टाइम एट विच डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, तो dx बाई dt आपको करना पड़ेगा. dx बाई dt करेंगे तो a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस थीटा. ये ध्यान दो, अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो. तो ये पूरा जीरो आ जाएगा. cos ओमेगा t प्लस थीटा कितना हो जाएगा, जीरो. अब जीरो की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई बाई टू होती है. देखिए cos cos कट गया. ओमेगा t इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई टू माइनस कितना थीटा. t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू ओमेगा, पाई बाई हाँ टू ओमेगा. ये देखिए t इक्वल टू ओमेगा इधर चला जाएगा, तो कौन सा सही है, बी वाला. भाई मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आपको बताए ही होंगे, ठीक, क्लास में सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं बेटा. हाँ बस अब अपने आप को क्या कंसंट्रेट करिए, बार बार रिवीजन करिए, ताकि बेटा 2026 में आपका रिजल्ट आए. क्योंकि हम लोग नीट 2026 के लिए क्या है, तैयार हो रहे हैं. तो नीट 2026 के लिए, मतलब ये 2026 है, 2026 के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं. तो इसीलिए ज़बरदस्त इसकी मेहनत करिए. करा, इन वन सेकेंड पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूविंग इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, ठीक है, एज शोन इन द फिगर. द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटीज, मतलब आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बोला जा रहा है, एवरेज वेलोसिटी. तो बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो ये बताओ यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितने का हो जाएगा, 2 मीटर का. और टाइम कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा. टाइम कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड. तो ये बताइए एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2. और टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना लगा, 1. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड. बहुत आसान प्यारा क्वेश्चन. 11 चलते हैं बेटा. वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ सम इंस्टेंट गिवन, ठीक है, और कर रहा है एट द सेम इंस्टेंट पार्टिकल एट ऑरिजिन मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट. ध्यान देना, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट है. अब पार्टिकल विल बी, मतलब पहले हम देख लेते हैं कि आखिरकार ये मैक्सिमम कितने समय पे है, और फिर उसके बाद हम क्या है वो पोजीशन निकाल लेते हैं. तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वी दिया है, ए दिया है, तो पहले हम फाइनल वेलोसिटी निकालें. तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए फाइनल वेलोसिटी के लिए वी इक्वल टू कितना होता है, ये देखिए यू प्लस क्या करना पड़ेगा, ए टी करना पड़ेगा. चलिए भाई यू प्लस ए टी करेंगे. ये देखिए यू भी दिया है, यू कितना दिया है, 3i कैप प्लस 4j दिया है. फिर ये क्या दिया है, -6i + 8j और t दिया है. एक काम करिए, i वाले को एक साथ रख लीजिए. i वाले को एक साथ रखेंगे तो क्या आएगा, i वाले को एक साथ रखेंगे तो 3 माइनस, ये देखिए 3 माइनस 6t, ये i कैप एक साथ आ जाएगा, प्लस 4 और ये माइनस अंदर जाएगा, -8t, ये j कैप आएगा. तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट कह रहा है. तो एक्स कोऑर्डिनेट कह रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये अगर मैक्सिमम कह रहा है तो ये मतलब वी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, जीरो. क्यों, सही है ना. अरे भाई मैक्सिमम कह रहा है, तो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ही था, यानी 3 - 6t इक्वल टू बच्चा लो क्या होगा, जीरो. या टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 सेकेंड हो जाएगा. ये देखिए टी इक्वल टू 1/2. अब ये t की वैल्यू 1/2 सेकेंड आ गई. अब हमको बताना क्या है, x कोऑर्डिनेट. तो ये जो निकला है यहीं से सब कुछ निकलेगा, यहीं से टाइम भी निकलेगा, यहीं से x कोऑर्डिनेट भी निकलेगा. तो ये देखिए vx इक्वल टू कितना दिया है, vx इक्वल टू 3 - 6t दिया है. अब इस vx को आप क्या कर दीजिए, dx बाई dt कर दीजिए. dx बाई dt 3 - कितना हो जाएगा, 6t. या dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो 3 - 6t dt हो जाएगा. चलिए इंटीग्रेट करिए और जीरो से लेके कितना 1/2 तक, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 3t का मतलब 1/2 माइनस 6t² / 2 यानी 3t² ये 1/2 का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व कर देंगे तो 0.75 आ जाएगा. तो ये आ गया बी वाला ऑप्शन, ठीक है भाई. छोटी छोटी बातें ध्यान दें. ये हो गया 11 के बाद 12 क्वेश्चन. बेस्ट ट्रेवलिंग फर्स्ट 1 सेकेंड डिस्टेंस स्पीड इतना, नेक्स्ट 1/3 इतना, नेक्स्ट 1/3 एवरेज स्पीड. तो याद रखिएगा एवरेज स्पीड अगर 3 इक्वल पार्ट में चल रहा है, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा जो एवरेज स्पीड हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 3v1 v2 v3 अपॉन क्या हो जाएगा, v1 v2 + v2 v3 + v3 क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा. तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं. और ये एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर बराबर, ठीक है ना भाई. ये सब आपके फार्मूले शॉर्टकट बताए थे. 13 देखिए, द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन बाई x इक्वल टू 80 + bt² - ct. वाट वेर पार्टिकल अटेंस जीरो एक्सेलेशन देन वेलोसिटी. तो आप देख लीजिए कि जीरो एक्सेलेशन कितने पे है, जीरो एक्सेलेशन कितने पे है. चलिए द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, देख लीजिए जीरो एक्सेलेशन आखिरकार कितने पे है.
तो इसके लिए सबसे पहले वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी निकालेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, आइए एक बार डिफरेंशिएशन किया आपने, तो एक बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस टू बी टी और माइनस थ्री सी टी स्क्वायर हो गया। अब चलिए एक बार और डिफरेंशिएशन करिए, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू बी माइनस सिक्स सी टी हो जाएगा। अब ये जीरो आ जा रहा है, तो जीरो आ जाएगा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू बी बाई सिक्स सी या बी बाई कितना हो जाएगा, थ्री सी। अब ये बी बाई थ्री सी ले जाके यहाँ पे रख दीजिए, चलिए रखेंगे तो ए प्लस टू बी और टी की जगह बी बाई थ्री सी रखेंगे माइनस थ्री सी, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, नाइन सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अब देखिए कटपिट कर रहे हैं, कुछ कटपिट होगा, ए प्लस टू बी स्क्वायर बाई कितना हो गया, थ्री सी, माइनस सी से सी कट गया, थ्री से थ्री कट गया, यानी बी स्क्वायर बाई कितना हो गया, बी स्क्वायर बाई थ्री सी। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी स्क्वायर बाई थ्री सी, ए प्लस बी स्क्वायर बाई थ्री सी है, कोई एकदम है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो छोटी छोटी बातें, 13 के बाद 14 पे चलते हैं। कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड बी इक्वल टू बी रूट एक्स, यानी बी इक्वल टू बी रूट एक्स अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अलोंग पॉजिटिव एक्स, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल टू टाउ, ठीक है भाई। तो पार्टिकल टी इक्वल टू टाउ पे आपको बताना है, कितने पे बताना है, टी इक्वल टू, तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल टू टाउ, द पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड वी इक्वल टू, मतलब हमको टाइम के फंक्शन में इसको ले जाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो चलिए लेते चलते हैं, सबसे पहले टाइम के फंक्शन में आना चाहिए, मतलब पार्टिकल का स्पीड बताना है टी इक्वल टू टाउ, तो जब तक टाउ नहीं आएगा तब तक ये बैठेगा नहीं भैया। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, देखिए काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको स्पीड ऑफ पार्टिकल बताना है टी इक्वल टू टाउ, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, वी को हम डिफरेंशिएट करते हैं डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी के टर्म में डी एक्स बाई क्या, v को क्या लिख सकते हैं, वी एक्स के टर्म में है, तो v को अगर डी एक्स बाई डी टी के टर्म में लिख दें, डी एक्स बाई डी टी के टर्म में क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, v अंडर रूट एक्स हो जाएगा। देखिए v अंडर रूट क्या हो गया, एक्स एक्स और t में रिलेशन निकाल दें, अभी काम बन जाएगा हमारा, एक्स और एक्स पे हाफ और ये v dt हो गया, ठीक है। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक्स पे हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पे हाफ का इंटीग्रेशन एक्स पे हाफ बाई हाफ होता है, माइनस हाफ प्लस वन, हाफ बाई हाफ, और ये कितना हो गया बी टी, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स पे हाफ इक्वल टू क्या हो गया, बी टी बाई टू हो गया। इसका मतलब एक्स पे हाफ की जगह हम क्या रख सकते हैं, बी टी बाई टू रख सकते हैं, तो आइए उसकी जगह बी टी बाई टू रख दिया जाए, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बी टी बाई कितना टू या बी स्क्वायर t बाई टू या t की वैल्यू कितनी हो जाएगी टाउ, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर टाउ बाई टू, बी स्क्वायर टाउ बाई टू, तो ये आपका b वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 14 का भी, 15 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल चेंज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, ये देखिए इसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, r इक्वल टू कितना दे दिया गया है, r इक्वल टू दे दिया गया है 15 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4 माइनस 20 टी स्क्वायर जे कैप। तो कह रहा है कि भैया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलेशन बताइए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलेशन का मतलब कितना हो गया भाई, ए एक्सीलेशन, एक्सीलेशन बताएंगे तो क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी बताएंगे, तो देखिए डी आर बाई डी टी कितना हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट पहले करें, तो एक बार डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो क्या आता है, ये 30 टी आई कैप आ जाएगा और प्लस ये क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा माइनस 40 टी जे कैप आ जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएशन करिए, एक्सेलेशन तक बस पहुंचने वाले हैं, आप पहुंच गए, ये देखिए 30 आई कैप हो गया और माइनस कितना हो गया 40 जे कैप हो गया, माइनस 40 क्या हो गया जे, टी की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म में है, इसका मैग्नीट्यूड आप लेंगे तो मैग्नीट्यूड कैसे ले सकते हैं बताइए, मैग्नीट्यूड लेना सिखाया है, आई के कोफिशियंट मतलब 30 का स्क्वायर और ये देखिए 40 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया अंडर रूट, ठीक है 50 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन होगा। छोटी छोटी बातें, 15 हो गया, 15 के बाद 16 चलते हैं। क्या करा है, पार्टिकल मूविंग x इक्वल टू कितना 10 प्लस 8t माइनस 3t स्क्वायर और y ये दिया गया, द स्पीड ऑफ सेकंड पार्टिकल मेजर इन द फ्रेम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है, मतलब इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी हमको निकालना है,
ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 16। इसका जरा एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो वी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा -24t² यानी वी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा -24t². अब क्या करना पड़ेगा हमको, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। रिलेटिव वेलोसिटी देखिए भाई, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ सेकेंड पार्टिकल एज मेजर इन द फ्रेम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। हाँ, सेकेंड पार्टिकल मतलब हमको क्या निकालना है, वी बी बाई ए निकालना है। वी बी बाई ए का मतलब क्या होता है, वी बी माइनस वी ए होता है। चलिए वी बी में से ये करते हैं, इसका मतलब -24t² और ये क्या हो जाएगा -8 माइनस 6t हो जाएगा। ठीक है, 8 माइनस 6t हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान देना है, कौन ये वाई एक्सिस वाला जो होगा वह जे कैप में होगा, ये देखिए जे कैप में होगा, और एक्स एक्सिस वाला जो होगा वह किस में होगा, आई कैप में होगा। इस चीज़ का केयर करना। अब टी की वैल्यू 1 रखनी है, तो चलिए टी की वैल्यू 1 रख देते हैं। ये देखिए वी बी बी बाई ए टी की वैल्यू 1 रखनी है तो कितनी हो जाएगी -24 जे कैप, और ये देखिए ये क्या हो जाएगा टी की वैल्यू 1 रखेंगे तो -2 आई कैप। अब हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या है देखिए आंसर मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है पता है, √24² और प्लस ये देखिए 2² यानी ये कितना हो जाएगा 580 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 580 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कैसे क्या है। 16 के बाद 17 चलते हैं। द डिस्टेंस x कवर्ड बाई पार्टिकल इन वन डायमेंशन, ध्यान देना, डिस्टेंस x कवर्ड बाई पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन वेरीज विद द टाइम टी, यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80² + 2bt + c। द एक्सेलेशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द यक्स वेयर यन इज एन इंटीजर देन वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक बार पहले डिफ्रेंशिएट इसको करो, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2x dx / dt टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका क्या हो जाएगा 280, इसका कितना हो जाएगा 2bc का 0 भाई, इस देखिए 2x 2 सब में से कट गया। dx / dt कितना हो जाएगा ये ध्यान दीजिएगा 80 + by कितना एक्स, एक्स वेरिएबल है ये भी है, एक बार और डिफरेंशिएशन करना है बस। तो ये देखिए डिवीजन रूल, एक्स d/dt 80 + b आएगा -80 + b और ये देखिएगा d/dt क्या आएगा एक्स आएगा अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया जरा यहाँ देखते हैं। हाँ, एक्सेलेरेशन a इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 80 यानी a बचेगा, अभी का 0 यानी a एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन को इस कैपिटल a से लिखते हैं। तो ये देखो ये क्या बचा ax बचा बच्चा, और यहाँ कितना बचा dx/dt -80 + b और ये कितना हो गया v हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए v है कितना, v है 80/x है, ये देखिए v है 80/x है, v है 80/x, चलिए 80/x रख दीजिए, तो 80/x रख देंगे ax -80 + b, अभी क्या है 80 + b/x है। अब देखिए यहाँ से और नीचे सबका एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ से एक्स एलसीएम लेंगे तो ax स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर 80 + b है कि क्या है 80 + b है, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2atb अपॉन कितना जाएगा एक्स का क्यूब। अब यहाँ फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, कहाँ गया एक्स स्क्वायर ये, तो जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो इसमें कट पिट जाएगा, और ये देखिए एक्सेलेरेशन एक्स पे 3 आ रहा है, मतलब एक्सेलेरेशन क्या होगा x^-3। तो x^-3 का मतलब यही कंपेयर करना था, तो ये देखिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो n की वैल्यू 3 का मतलब a हो गया। ठीक है ना, देखिए डिवीजन मेथड भी आपको बताया था बच्चों, सबसे एकदम क्या है, हाँ, परिपक्व हो इससे, हाँ, जबरदस्त मेहनत करो, ध्यान देना, ठीक है, कहीं ये सब चीज़ें इधर उधर मत करो। अब क्या करा, मेट्रो स्टेशन एक गर्ल वॉक्स अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1, स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1, इफ सी रिमेंस स्टेशनरी ऑन द एस्केलेटर देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। तो ये देखिए एक एस्केलेटर दिया गया है, एक एस्केलेटर देखो जब ये बंद है तो एक लड़की इस पर कितने समय में पहुंच जा रही है t1, तो इसका मतलब वो किस वेलोसिटी से जा रही होगी, अपनी वेलोसिटी से,
अपनी वेलोसिटी से, तो मान लो टी वन इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन गर्ल्स की वेलोसिटी, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब दूसरे स्टेप में क्या है, स्केलेटर चल रहा है और लड़की रेस्ट पे है, तो लड़की किससे ऊपर की तरफ गई, डिस्प्लेसमेंट तो वही तय किया उसने, हाँ, लेकिन स्केलेटर की वेलोसिटी से गई। अब कह रहा है जैसे आप लोग चलते होंगे इस तरह से, हाँ, कह रहा है कि आप भी चल रहे हैं, ये देखिए गर्ल्स भी चल रही है और स्केलेटर भी चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, वी ई प्लस वी जी हो जाएगा, वी प्लस क्या हो जाएगा, वी जी। अब यहाँ से वी और वी जी की वैल्यू, यहाँ से वी की वैल्यू, यहाँ से वी जी की वैल्यू उठा के यहाँ रख देना, तो रख दोगे तो कौन सा आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा, ये हो गया 18 का सी। 19 क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, ध्यान देना, एक पार्टिकल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड एनी टाइम टी इज गिवन बाई, तो डिस्प्लेसमेंट, हाँ, तो कह रहा है कि वेलोसिटी बताओ व्हेन एक्सेलेरेशन जीरो, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बताओ, वेलोसिटी वी इक्वल टू डीएस बाई डीटी, वेलोसिटी वी इक्वल टू डीएस बाई डीटी, देखिए वेलोसिटी वी इक्वल टू डीएस बाई क्या है, डीटी, तो डीएस बाई डीटी का मतलब क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस 12t और प्लस 3। अब एक्सेलेरेशन बताओ, एक बार और डिफरेंशिएशन बोलो, एक बार और डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 60 माइनस 12, ठीक है ना बेटा, हाँ। अब क्या कर लो, इसकी वैल्यू जीरो करो, हम नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, टी इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकेंड। अब ये टी की वैल्यू लेके, क्योंकि वेलोसिटी पूछा है तो टी की वैल्यू लेके यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ रख देंगे तो कोई ना कोई मिल जाएगा, कितना मिलेगा, -9, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत हो तो कर लेना। 20 करा द रिलेशन बिटवीन टी एंड ये, करा रिटार्डेशन बताइए, तो रिटार्डेशन बताइए, तो इसके लिए अब देखिए टी की वैल्यू दी गई है, यहाँ किसकी वैल्यू दी गई है, यानी टी इक्वल टू क्या दिया गया है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ, बीटा एक्स, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स दिया गया है, टी इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ये देखिए डी टी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, या इसको पलट दीजिए, पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -1, ये देखिए वेलोसिटी की वैल्यू हो गई। अब देखना वेलोसिटी किस फंक्शन में है, यक्स के टर्म में है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि वेलोसिटी अगर यक्स के फंक्शन में हो तो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, v डी वी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, ठीक है, तो v कितना है, 2 अल्फा एक्स प्लस बी, यहाँ v को यहीं रहने दो क्योंकि आंसर v के टर्म में है। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये देखो क्या आएगा, -2, ठीक है, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर, देख लो -2, अब फिर 2 अल्फा एक्स का होगा तो क्या बचेगा, 2 अल्फा, अब देखो ये क्या बचा, a इक्वल टू क्या, 2 अल्फा एक्स, हाँ 2 अल्फा एक्स, ये दो कहाँ से ज़्यादा आ जा रहा है क्या, ये देखिए, अच्छा सॉरी ये -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 अल्फा वी, और ये v का स्क्वायर तो v का क्यूब हो जाएगा, तो -2 अल्फा वी का क्यूब होगा, ये देखिए भैया, हाँ चलिए आपको करा दिया जाएगा करेक्शन, ये क्यूब है, कितना है ये, हाँ 3 है, ये -2 अल्फा वी का क्यूब है, ठीक है ना, हाँ, तो इसको अभी टेस्ट हुआ नहीं है तो करेक्शन करा दिया जाएगा आपका, नोट कर ले रहे हैं, इस क्वेश्चन में है 20 20 20 20 20 18 19 20, ठीक है, करेक्शन। चलिए अब चलते हैं 20 के बाद 21 पे चलते हैं, ठीक है ना, हमेशा एक बात ध्यान देना, क्या अगर एक्सेलरेशन जो हो वेलोसिटी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हो तो एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी लेना, और वेलोसिटी अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हो तो वी डी वी बाई डी एक्स लेना, बच्चा समझा था हो ना, हाँ। 21 पे चलिए, 21 क्या कर रहा है, 21 कर रहा है यक्स इक्वल टू के बाई बी 1 - e^-bt दिया है, देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, पार्टिकल की वेलोसिटी आपको बतानी है, पार्टिकल की क्या बतानी है, वेलोसिटी, देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, चलिए एक बार डिफरेंशिएट करिए इसका, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू के बाई बी होगा, 1 का 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी ई टू पावर माइनस बी टी हो जाएगा, ये देखिए बी भी कॉमन हो गया, के ई टू पावर माइनस बी टी है, कोई के ई टू पावर माइनस बी टी है, ये वाला ही है, हाँ ये देखना, ई टू पावर माइनस बी टी का ई टू पावर माइनस बी टी होगा, फिर माइनस बी टी का भी होता है, तो माइनस बी टी का माइनस बी होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 21 का ए।
भाई देखिए क्या कर रहा है, डी एक्सीलेशन एक्सपीरियंस्ड बाई द पार्टिकल। हाँ ठीक है, तो ये डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के वी का क्यूब है, माइनस के वी का क्यूब, वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट, वी नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट कट ऑफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी आफ्टर कट ऑफ इज। तो यहाँ पर देखिए आपका एक्सीलरेशन दे दिया है, एक्सीलरेशन का मतलब यहाँ देखिए क्या दे दिया है, डी वी बाई डी टी, ये देखिए डी वी बाई डी टी दे दिया है, तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है, माइनस के वी का क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या करा है, वी नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो डी वी अपॉन क्या कर लो, वी क्यूब को इधर कर लो, माइनस के डी टी कर लो, और ये देखो ये जीरो से टी कर लो, और ये वी नॉट से कट ऑफ मान लो वी है, मतलब रुक नहीं रहा है, फाइनल इसका वी है। तो ये इसका इंटीग्रेशन कितना होगा भैया, इसका इंटीग्रेशन वी टू पावर माइनस थ्री ऊपर जाएगा, माइनस थ्री मतलब माइनस वन बाई टू वी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, वी नॉट से लेके वी, और ये माइनस के टी, माइनस के टी, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, टू को इधर ले जाओ, ये देखो ये क्या बचा, वन बाई वी का स्क्वायर माइनस वन बाई वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू टू के टी, देख रहे हो। अब क्या निकालना, अभी निकालना, तो इसको इधर ले जाओ, वन बाई वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, टू के टी प्लस वन बाई वी नॉट का स्क्वायर, या वन बाई वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, टू के टी वी नॉट का स्क्वायर प्लस वन अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। या देखिए ये वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू के टी वी नॉट का स्क्वायर प्लस वन। ये देखिए ये आ गया 22 का सी आ गया, क्या आ गया 22 का सी। ठीक है ना भैया, तेज चलिए। ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैज एक्सीलरेशन एफ एट टाइम टी गिवन बाय। ठीक है, कह रहा है कि भाई इसका जो एक्सीलरेशन है वह एफ दिया गया है, ध्यान देना, एक्सीलरेशन क्या दिया गया है, हाँ एफ दिया गया है। कह रहा है जीरो वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टी इक्वल टू जीरो एंड इंस्टेंट व्हेन एफ इक्वल टू जीरो द पार्टिकल वेलोसिटी इज। तो सबसे पहले ये देख लो, ठीक है, कि कह रहा है कि जब एक्सीलरेशन जीरो है तब वेलोसिटी बताओ। तो हम देख लेते हैं आखिरकार कितने टाइम पे एक्सीलरेशन जीरो है, तो इसकी वैल्यू जीरो रख लेते हैं, जीरो रख के देख लेते हैं, तो ये जीरो हो जाएगा, यानी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी, यानी टी इक्वल टू टी पे आपसे क्या मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है, वेलोसिटी की डिमांड कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, टी इक्वल टू टी पे आपसे वेलोसिटी की डिमांड कर रहा है। ठीक है भैया, तो आइए अब इसका इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वी इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी, वी इक्वल टू क्या होता है, हाँ डी वी बाई डी टी। तो चलिए डी वी बाई डी टी क्या हो गया, एफ नॉट वन माइनस टी बाई टी, आइए इंटीग्रेट करते हैं, डी वी हो गया, ठीक है डी वी हो गया, एफ नॉट हो गया, वन का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, इसका टी स्क्वायर बाई टू टी हो जाएगा। अब चलिए भैया क्या हो गया, टी की जगह कैपिटल टी रख दीजिए, देखिए वी इक्वल टू क्या हो गया, एफ नॉट टी की जगह कैपिटल टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू टी। चलिए टी स्क्वायर अपॉन टू टी का मतलब ये कट गया है, वी नी इक्वल टू एफ नॉट टी माइनस टी बाई टू। चलिए टी माइनस टी बाई टू का मतलब क्या हो गया, एफ नॉट टी बाई कितना हो गया, टू, एफ नॉट टी बाई टू है कोई, एकदम है एफ नॉट टी बाई टू। ठीक है, तो 23 का हो गया। अब चलते हैं 24 क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव डिस्टेंस एक्स, कैसे मूव कर रहा है, x इक्वल टू टी प्लस, ये देखो x इक्वल टू क्या है, टी प्लस फाइव पावर माइनस वन। कह रहा है कि भैया एक्सेलेशन क्या होगा, तो देख लो एक बार डिफ्रेंशिएट करो, एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे ये क्या जाएगा, माइनस वन, और टी प्लस फाइव पावर कितना हो जाएगा, माइनस टू। एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, डी वी बाई डी टी, ठीक है क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये टू हो गया, टी प्लस फाइव पावर माइनस थ्री। टी प्लस फाइव पावर माइनस वन की वैल्यू x है, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स पे क्यूब आएगा, एक्स पे क्यूब है, नहीं नहीं है, तो इसका मतलब ना ए सी होगा ना डी होगा। अब कौन बचा, देखते हैं वी के टर्म में, तो टी प्लस फाइव पावर माइनस टू की वैल्यू वी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी पे ये कितना हो जाएगा, वी डायरेक्ट टी प्लस फाइव पावर माइनस टू है, तो हाफ का मतलब कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू हो जाएगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी पे थ्री बाई टू, मतलब 24 का वी हो जाएगा। 25 चलिए, 25 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड 6.25 मीटर पर सेकेंड डी एक्सेलरेट, देखिए डी एक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, डी एक्सेलरेट। चलिए भैया डी एक्सेलरेट कर रहा है तो अच्छी बात है, यानी डी वी बाई डी टी इक्वल टू कितना, माइनस 2.5 रूट वी। द टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, ये देखिए डी वी अपॉन वी पे हाफ और माइनस 2.5 डी टी। ये देखिए ये कहाँ से कहाँ तक लिमिट जाएगा भाई, ये 6.25
और फाइनली रुक जा रहा है ये टाइम जीरो से लेके टी। तो ये देखिए ये क्या जाएगा वी पे हाफ अपॉन हाफ, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक 6.25 से लेके जीरो और माइनस 2.5 टी। अब देखिए जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ लेते आएंगे, हाँ ये देखिए ये जीरो माइनस 6.25 पे हाफ, ठीक है, इक्वल टू माइनस 2.5 बाई टू टी। ये देखिए इसका ये टी इक्वल टू कितना जाएगा, 2 सेकंड आ गया, बस हो गया 2 सेकंड भाई। इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है, संभालिए। 25 के बाद 26 क्या कर रहा भैया, एक पार्टिकल दिया गया है, ध्यान दीजिए उसका वेलोसिटी बी इक्वल टू बीटा एक्स टू पावर माइनस 2n दिया है, बीटा एक्स टू पावर माइनस कितना दिया गया है 2n, ठीक है ना। करा है कि भैया इसका एक्सेलेरेशन बताइए, तो बेटा इसका एक्सेलेरेशन बताने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा ए इक्वल टू वी डी बी वाई कितना बताएंगे डी एक्स, तो ए इक्वल टू वी कितना है जरा ध्यान देना बीटा एक्स टू पावर माइनस 2n, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बीटा माइनस 2n एक्स टू पावर माइनस 2n माइनस 1, या ए इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स टू पावर माइनस 4n माइनस 1, एक्स टू पावर माइनस 4n 2n बीटा स्क्वायर 2n माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स टू पावर माइनस 4n माइनस 1, ये आ गया डी वाला, ठीक है ना। देखना एक्स के टर्म में करेंगे, फिर देखिए 27 क्वेश्चन, ए मैन इन कार एट लोकेशन क्यू एट हाईवे मूविंग विथ स्पीड वी, किससे मूव कर रहा है स्पीड वी से, कह रहा है कि हाईवे एज शोन इन फिगर स्पीड ऑफ कार इन द फील्ड इज हाफ टू द ऑन द हाईवे, मतलब यहाँ स्पीड वी है तो यहाँ स्पीड वी बाई टू है हाईवे, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस आर एम सो दैट द टाइम टेकन टू रीच पी इज द मिनिमम, तो मान लीजिए ये एक्स है, ये पूरी यहाँ तक डिस्टेंस डी है, ये कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या होगा डी माइनस एक्स, ये डी है तो ये क्या होगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देख लीजिए टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा जरा बताइए, टोटल टाइम लगेगा, टोटल टाइम जो होगा वह क्या होगा टी कितना क्यू आर प्लस टी 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 आर पी, क्यों भैया ये नहीं लगेगा, या टी इक्वल टू क्यू आर कितना होगा, ये तो डिस्टेंस है डी माइनस एक्स, ये किससे चल रहा बी से चल रहा है, प्लस आर पी कितना चल रहा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वी बाई टू, वी बाई टू का मतलब टू पर चला गया, या टी इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई वी माइनस एक्स बाई वी प्लस टू 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 अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वी। अभी बताइए डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स क्या होगा जीरो होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ठीक है टाइम मिनिमम है तो मिनिमा मैक्सिमा के अनुसार, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके हाँ जीरो, तो डिफरेंशिएट कर लोगे नहीं करोगे तो इसका जीरो हो जाएगा, इसका डी बाई डी टी ये कितना होगा ये माइनस वन बाई वी हो जाएगा, एक्स का वन होता है, एक्स का क्या होता है वन, इसका कितना हो जाएगा सुन लो, इसका होगा टू बाई वी डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होगा, देखना जो सेकंड टर्म वाला बताए थे हाँ थोड़ा एडवांस लेवल डिफरेंशिएशन का बताए थे, तो क्या होगा हाफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे माइनस हाफ, अब फिर दोबारा करेंगे डी स्क्वायर का जीरो एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स इक्वल टू क्या हो गया जीरो। अब यहाँ से ये देखिए वी तो कॉमन होके कट ही गया, वी तो कॉमन होके कट ही गया, इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे एक्स की वैल्यू हाँ निकालने का मौका मिल रहा है आपको, तो चलिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, एक काम करिए वी तो कॉमन होके कट गया, ये सब यहाँ से दो कट गया, ये काम करिए यहाँ से ये देखिए जब इधर आएगा तो वन आ जाएगा, पूरा स्क्वायर कर दीजिए इसको, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स नहीं एक्स नहीं फोर एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस डी का मतलब वही छोटा डी है ना जी, ये बड़ा डी कहाँ से आ गया, अरे छोटा डी था भाई छोटा डी था सॉरी छोटा डी था वही कह रहे हैं डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेते आओ थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डी बाई रूट थ्री, तो ये वाला होगा बी 27 का भी। 28 चलते हैं, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, अब देखना ये वेलोसिटी और हाइट, जो वेलोसिटी और हाइट के बीच होगा वही मोमेंटम और हाइट के बीच होगा, तो इसका मतलब बॉल थ्रोन वर्टिकली अप, तो ये देखो जैसे जैसे हम हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे स्पीड
स्पीड क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में घटती जाएगी, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो निगेटिव डायरेक्शन में स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ये देखो निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। तो ये वेलोसिटी और एच के बीच का नॉन लीनियर ग्राफ होगा, क्यों, क्योंकि वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच होता है, यही वी और टी के बीच का रहता तो लीनियर ग्राफ होता, वी और टी के बीच का, ठीक है। हाँ, तो ये देखो इस तरह से ही आएगा, तो ये वन वाला होगा, वन का मतलब भी। यहाँ क्या कर रहा है, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दिया है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल 4 सेकंड, तो 4 सेकंड में डिस्टेंस निकालना है, तो बेटा इसका आप एरिया निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, अगर इसका एरिया निकाल देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, तो एरिया निकालेंगे तो 55 मीटर आएगा। अब ये सब तो आएगा ही आपको। ये करा वेलोसिटी टाइम द मैक्सिमम एक्सीलेशन, तो इसमें क्या करेंगे, आप जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब स्लोप निकालते हैं तो एक्सीलेशन निकलता है, तो आप सारे पार्ट में स्लोप निकाल देंगे, ओए में निकाल देंगे, एबी में निकाल देंगे, बीसी में निकाल देंगे, सीडी में निकाल देंगे। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, इसका तरीका मैंने बताया ही था। ये देखिए सीबी पार्ट में जब हम स्लोप निकालेंगे तो इसमें एक्सीलेशन मैक्सिमम आएगा, 60 में से 40 जाएगा कितना होता है 20, 40 और ये कितना हो जाएगा 10। तो ये देखिए इसमें जो एक्सीलेशन आएगा प्लस कितना आएगा 40/10 यानी प्लस 4 m/s², तो ये मैक्सिमम आएगा 30 का। फिर उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, कर रहा डिस्प्लेसमेंट, तो इसके लिए आप इसका एरिया निकाल दीजिए, ऊपर वाला एरिया प्लस होगा, नीचे वाला माइनस होगा, ठीक है, इसको कर दें डिस्प्लेसमेंट में एरिया निकाल दें। फिर रॉकेट फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड, तो करा हाइट रीच्ड बाय, तो आप जानते हैं ये बीटी ग्राफ है, इसका आप एरिया निकाल देंगे तो यहाँ हाइट निकल जाएगा, एरिया, तो एरिया कैसे होगा भैया, एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस हाइट 1000, ठीक है, 50 × 50 meters है कोई, हाँ है, ये देखिए भाई आखिरकार हाइट तो वही ना हुआ, डिस्टेंस ही तो हाइट हुआ, तो उसके एरिया के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, उसके एरिया के बराबर हो जाएगा। फिर देखिए एडजॉइनिंग फिगर, सम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बट ओनली सम ऑफ दिस कैन बी रियलाइज्ड प्रैक्टिस इन नेचर, तो बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ये कहाँ पॉसिबल है, एक समय पे आपकी कई वेलोसिटी हो सकती है क्या, ये पॉसिबल है, एक समय पे आपकी कई वेलोसिटी हो सकती है क्या, नहीं ये पॉसिबल है। ये देखिए टाइम के अनुसार वेलोसिटी बढ़ेगी घट सकती है, बढ़ सकती है घट सकती है, ये भी देखिए टाइम के अनुसार बढ़ सकती है घट सकती है, भाई वेलोसिटी इंक्रीज भी कर सकती है डिक्रीज भी कर सकती है। दूसरा और चौथा पॉसिबल है, दूसरा और चौथा मतलब सी वाला, ठीक है। 33 के बाद 34 देखिए, ये मैंने क्लास में कराया था कि एक क्वेश्चन, अगर कार अल्फा से एक्सीलेट हो रही है, बीटा से डी एक्सीलेट हो रही है, तो उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी होता है, ठीक है ना, बताया था ना डिस्टेंस कवर हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा टी का स्क्वायर होता है, ठीक। तो ये क्लास में कराया था, रॉकेट फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड एंड मूव्स विद द नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी नहीं, नेट एक्सीलरेशन, नेट वर्टिकल एक्सेलेरेशन 20 m/s आफ्टर 1 minute द फ्यूल इज एग्जॉस्ट टाइम टेकन बाई इट रीच टू हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर द फ्यूल इज एग्जॉस्ट। तो ये देखिए जब रॉकेट ऊपर की तरफ बढ़ता है तो हमने आपको क्लास में बताया था उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। मान लीजिए यहाँ रॉकेट का फ्यूल खत्म हो गया, तो फ्यूल खत्म हो जाएगा तो बेटा वो रुक नहीं जाएगा, उसके बाद भी वह क्या है इनर्शिया के कारण चलेगा। तो जब तक रॉकेट में फ्यूल होता है तब तक हमने कहा था ए होता है, और जब रॉकेट का फ्यूल खत्म हो जाता है तो उस पर क्या लग जाता है जी लगता है, क्या लगता है जी लगता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, एक मिनट में फ्यूल खत्म हो जा रहा है तो यहाँ वेलोसिटी कितनी होती है, ए कितना है 20, टाइम कितना है, टाइम 60 ले लीजिए यानी 6 × 12 1200 m/s है, ठीक है ना। अब देख लीजिए कितने समय में आप फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, तो इसके लिए आपके पास क्या फार्मूला, टी इक्वल टू वी बाई जी, क्योंकि अब यहाँ जी लगेगा तो जी का मतलब 1200/10 यानी ये कितना हो गया 120 सेकेंड, ठीक है भैया। 120 सेकेंड का मतलब कितना होता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना भैया, हाँ ये देखिए, क्योंकि जो यहाँ फाइनल वेलोसिटी होगी वही आगे की जर्नी के लिए क्या काम करेगी, इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी, ठीक है, आगे के लिए इनिशियल वेलोसिटी का वही हाँ काम करेगी। तो टाइम टेकन बाय इट रीच द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर द, अच्छा फ्यूल इज एग्जॉस्ट, जब फ्यूल खत्म हो रहा तब हो रहा है, तो यहाँ से यानी 2 मिनट हो गया, ठीक है ना, इसका मतलब सूर्य से कितना मिनट लेगा 3 मिनट, और यहाँ से पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा 2 मिनट होगा। 35 के बाद 36 देखिए, करा है पार्टिकल जो है यक्स इक्वल टू कितना दिया है 8 - वेलोसिटी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए जरा, चलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे 8 का 0, 4 का -4, 60² = 12t यानी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 12t - 4 यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा mx - c। अब बताइए y इक्वल टू mx - c का ग्राफ कौन सा है, ये वाला है, ए वाला होगा। फिर 36 बाद 37
ठीक है, कह रहा है कि दो कार हैं सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, देयर विल बी नो कोलिजन। तो बेटा कोलिजन के लिए मान लेते हैं एक डिस्टेंस सपोज करते हैं, उन कोलिजन के लिए क्या है डिस्टेंस, तो फाइनली क्या होगा वी ए बाई बी रिलेटिव वेलोसिटी यू ए बाई बी माइनस टू ए एस। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं यस डिस्टेंस पे सपोज करते हैं कोलिजन हो गया, तो कोलिजन पे फाइनल वेलोसिटी उनकी क्या होगी जीरो, ये क्या हो जाएगा बी वन माइनस बी टू का होल स्क्वायर अब माइनस टू ए एस, तो ये बताओ यस कितना हो जाएगा, यस इक्वल टू क्या हो जाएगा बी वन माइनस बी टू का होल स्क्वायर अपॉन टू है। क्वेश्चन में दिया है नो कोलिजन, तो ये बेटा ये बताओ नो कोलिजन कब होगा, नो कोलिजन का मतलब वो जो डिस्टेंस है इस यस से ज्यादा होनी चाहिए, तो इसका मतलब डिस्टेंस डी इज ग्रेटर देन कितना यस, या डी इज ग्रेटर देन वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2a, यानी सी वाला ऑप्शन। 38 क्या कह रहा है, द ग्राफ शोन इन द वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो बेटा यहां पे आप देख रहे हो कि ये वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी का स्लोप नेगेटिव है, हाँ वेलोसिटी का स्लोप क्या है, ये देखो स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा, तो है किसी में पॉजिटिव और कांस्टेंट, अच्छा यहां तक, यहां तक ये देखो वेलोसिटी का स्लोप सॉरी वेलोसिटी का स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन भी नेगेटिव होगा, यहां तक देखो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो वेलोसिटी का स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलेरेशन भी नेगेटिव होगा, तो ये देखो एक्सेलेरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट होगा, यहाँ देखो स्लोप क्या हो गया, यहाँ देखो स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन क्या होगा पॉजिटिव और कांस्टेंट, तो ये बी वाला इसका सही है। ठीक है, फिर देखिए 39 क्या है, 39 कह रहा है कि बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट डी अबव द ग्राउंड। ठीक है, ये देखिए यहाँ से वर्टिकली क्या है, वर्टिकली देख लीजिएगा, यहाँ से वर्टिकली हम इसको, ठीक है वर्टिकली यहाँ से हम इसको गिरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वर्टिकली, हाँ देख लीजिए गिरा रहे हैं, ए बॉल इज ड्रॉप वर्टिकली, हाँ ड्रॉप कर रहे हैं, हिट्स द ग्राउंड, ठीक है चलिए हिट्स द ग्राउंड, ठीक है, और डी बाई टू फिर ऊपर की तरफ गया, डी बाई टू ऊपर की तरफ गया, ये देखिए उछल के गया, नहीं हो गया किसी बॉल को इसे गिराएंगे तो उछल के डी बाई टू ऊंचाई तक गया, तो बताओ जब हम नीचे की तरफ गिराएंगे तो नीचे के डायरेक्शन में निगेटिव में वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ये देखो निगेटिव में वेलोसिटी का, और चूंकि वेलोसिटी और यच के बीच का ग्राफ है तो ये नॉन लीनियर ग्राफ होगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा, ठीक है स्ट्रेट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये देखिए निगेटिव डायरेक्शन में पहले वेलोसिटी क्या हो रही है बढ़ रही है, पहले देखिए वेलोसिटी बढ़ रही है अब फिर उसके बाद उछल रही है, उछल रही है तो इसका मतलब उछल रही है, तो ये देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी घट रही है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी और भी कितने तक डी बाई टू तक, तो ये देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी घट रही है, अरे भाई ये पॉजिटिव होता है नीचे वाला निगेटिव होता है ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो रही है घट रही है, तो इसीलिए ए वाला होगा 39 का ए। 40 देखिए क्या कर रहा है, सी द ग्राफ, करा है कि चूज वन ऑफ दिस कैन पॉसिबल, कौन पॉसिबल है, तो बेटा ये नहीं पॉसिबल है क्योंकि एक ही समय पे आपके कई पोजीशन को बता रहा है, एक ही समय पे आपके कई पोजीशन को बता रहा है, एक ही समय पे आपके कई पोजीशन को बता रहा है, तो ये तो पोजीशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पोजीशन में ये पॉसिबल हो सकता है, पोजीशन फर्स्ट इंक्रीज डिक्रीज, हाँ डिस्टेंस नहीं पोजीशन है, यस एक्स क्या है पोजीशन, तो ये वाला डी पॉसिबल है। फिर ये देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है 41 क्वेश्चन में, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एंड द यूनिफॉर्म स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है पहले इसमें देख लीजिएगा यहाँ पे ये आपको करेक्शन कराया गया होगा, ए टू गायब कराया गया होगा ए टू, तो ये देखिए हवाई जहाज उड़ रहा है भाई, हवाई जहाज को उड़ाइए, ये हवाई जहाज यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, तो ये देखिए हवाई जहाज है उड़ा, तो यहाँ से यहाँ देखिए दो इसके पोजिशनों का, ये देखिए दो पोजिशनों का, ये देखिए आपकी आंखों पे कितने का एंगल बन रहा है थीटा का, तो उसका ऊंचाई निकालना है, ये देखिए थीटा बाई टू हो जाएगा, थीटा का बनेगा तो थीटा बाई टू हो जाएगा, तो ऊंचाई एच निकालनी है, तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये बी से अगर उड़ रहा है तो इस डिस्टेंस कितनी होगी वी टी, तो यानी ये क्या होगा वी टी बाई टू, ये कितना होगा वी टी बाई टू, अब बताओ ये कितना हो जाएगा टेन थीटा बाई टू, ठीक है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी वी टी अपॉन टू, और ये एच, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा वी टी अपॉन टू टेन थीटा बाई टू हो जाएगा, तो बी टी अपॉन टू टेन थीटा बाई टू, तो इसमें करेक्शन होगा बेटा आंसर में क्या होगा ये ए नहीं होगा डी होगा ये, ठीक है तो बी टी अपॉन टू टेन थीटा बाई टू यानी बी टी अपॉन टू टेन थीटा बाई टू, बी टी अपॉन टू टेन थीटा बाई टू, 41 का डी हो गया। 42 देख लीजिए क्या करा है, हाँ वी एक्स ग्राफ दिया है, क्या दिया है वी एक्स ग्राफ, ए एक्स ग्राफ में बदलो, तो पहले देख लो किसका स्लोप है, ये स्लोप है वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का स्लोप है, y इक्वल टू किसका माइनस एम एक्स प्लस सी, तो माइनस एम एक्स प्लस सी का मतलब यानी v इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, एक्सेलेरेशन कितना होता है v dv बाई dx,
तो ये देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी, आपको पता है वी कितना है माइनस एम एक्स प्लस सी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा माइनस एम, ठीक है। तो ये देखिए ए अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर यक्स, अब माइनस कितना हो जाएगा सी एम, या वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एक्स माइनस सी। तो देखिए वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का कौन सा है ए वाला है, कौन सा है ए, तो 42 का ए हो जाएगा। 43 देखिए क्या कर रहा है, इन ए कार रेस, एक कार रेस हो रहा है, रोड कार ए टेक्स टी टाइम लेस हा देन कार बी। अच्छा कार ए जो है टी टाइम लेस, इसका मतलब उसकी स्पीड ज्यादा होगी तभी तो, जैसे मान लो दो लोग दौड़ रहे हैं एक कम समय ले रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है, मतलब कार ए की स्पीड ज्यादा है भैया, ठीक है। तो मान लो ये कार बी है, ये मान लो कार ए है, ठीक है, तो कार ए बी की स्पीड क्या है, अगर बी है हाँ वी डैश है तो ए की स्पीड की कितनी होगी वी डैश प्लस वी होगी, हाँ तभी जाके वह पार करेगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले एक फार्मूला बनाइए, पहले क्या बनाइए वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का बनाते हैं तो पहले कार ए के लिए बनाते हैं, तो कार ए के लिए क्या फार्मूला होगा वी डैश प्लस वी इक्वल टू ए वन टी वन होगा। बी के लिए बनाइए, बी के लिए बनाएंगे तो कितना हो जाएगा वी डैश इक्वल टू ए टू टी टू हो जाएगा। यहाँ से इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, एक मिनट एक मिनट, कौन टी समय ले रहा है, तो मान लो टी समय ले रहा है टी लेस ले रहा है, तो अगर ये टी लेस ले रहा है तो अगर ये टी वन टाइम ले रहा है तो इसका मतलब ये टी वन प्लस टी लेगा बेटा, हाँ ये थोड़ा केयर करिएगा, हाँ जैसे मान लो किसी जर्नी को कंप्लीट करने में ये टी वन समय ले रहा है तो ये टी वन प्लस टी लेगा। अब इसमें से दोनों को माइनस कर दें, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा वी इक्वल टू ए वन टी वन माइनस ए टू टी वन माइनस ए टू टी, या वी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये देखो यहाँ से ए वन माइनस ए वन माइनस ए टू टी वन माइनस ए टू क्या हो जाएगा टी। अब दोनों डिस्टेंस समान तय करेंगे क्योंकि एक ही मंजिल तक पहुँच रहे हैं, जैसे दौड़ने वाले क्या होते हैं वह एक ही जगह तक पहुँचते हैं, तो दोनों डिस्टेंस, तो पहले का डिस्टेंस कितना होगा हाफ ए वन टी वन का स्क्वायर, और दूसरे का क्या होगा हाफ ए टू टी वन प्लस टी का स्क्वायर, क्योंकि पहला वाला अगर t1 टाइम ले रहा है तो दूसरा वाला t1 प्लस t टाइम लेगा। देखो हाफ है हाफ है काटा, स्क्वायर रूट कर लो a1 t1 a2 t1 प्लस t। अब तुमको क्या करना है यहाँ से t1 की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देना है, जब t1 की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दोगे तो तुम्हारा v आ जाएगा, ठीक है, तो d वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, इसको कर लेना। 43 के बाद देखिए 44 क्या कह रहा है, ए पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट इतना इतना एक्टेड अपॉन, व्हाट इज द डिस्टेंस पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर टू सेकेंड, तो डिस्टेंस के लिए क्या करोगे भैया, हाँ डिस्टेंस के लिए ध्यान दो, डिस्टेंस के लिए आप क्या करते हैं, डिस्टेंस के लिए x इक्वल टू क्या होता है x नॉट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, सबको रख के एक साइन में कर लीजिए, x नॉट कितना है जरा बताइए 2i कैप प्लस 4j कैप, यू टी कितना है जरा बताइए यू टी दो सेकेंड, पाँच पाँच का मतलब क्या हो जाएगा 10i कैप और प्लस 8j कैप, और ये देखिए ये दो दूनी चार करेंगे दो कट जाएगा यानी 2a, 2a कितना हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस 8i कैप प्लस 8j कैप, ठीक है भाई, सबको जोड़ दीजिए दो दस दो बारह बारह आठ बीस, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20i कैप और ये 20j कैप, और बताओ इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो रूट में 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर यानी 20 रूट 2, ये वाला सही होगा, ठीक है। फिर देखिए 45 क्या कर रहा है, करा देर इज ओनली वन टाइप ऑफ विच एवरेज वेलोसिटी ओवर द टाइम इंटरवल 0 टू कैन बी वैनिश फॉर सुटेबली चूजन, ठीक है। तो अब देखिए एवरेज एक्सीलेशन यहाँ पे क्या होगा, तो एक चीज देखते हैं एवरेज एक्सीलेशन कब गायब होगा, तो यहाँ देखो एक तरह से ध्यान दो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये स्लोप जो है ए बी पोर्शन पे, ठीक है ना, मतलब यहाँ इस ग्राफ में देखिए ए बी पोर्शन पे स्लोप पॉजिटिव है, देखिए ए बी पे स्लोप क्या है पॉजिटिव है, अब बी सी पे स्लोप निगेटिव है, मतलब इस पे जितनी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी इतने पे उसकी वेलोसिटी निगेटिव होगी, इसका मतलब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी खत्म आ जाएगी, तो यहाँ गायब हो जाएगा, ठीक है ना, तो बी वाला ऑप्शन हो। 46 में देखो क्या कर रहा है, एक पार्टिकल ओई डायरेक्शन में जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, मतलब इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी फिक्स है, तो 4 सेकेंड के बाद कितनी डिस्टेंस होगी 3 × 4 यानी 12, और ये y डायरेक्शन में एक्सीलेशन लग रहा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा f बाई m इंटू हाफ f बाई ए टी स्क्वायर, यानी y इक्वल टू सब रखेंगे हाफ f रखेंगे कितना है f रखेंगे 4 m रखेंगे 2
टी कितना होगा, टी रखेंगे कि टी कितना रखेंगे, टी टी 16, ठीक है। तो ये दो से दो चार चार यानी 16 हो गया, यानी वाई में हो गया 16 जे कैप। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, और ये होगा रूट में 400, या इसी को हम क्या कहेंगे 20 मीटर पर, तो सॉरी सेकेंड नहीं मीटर। 46 के बाद 47 पे चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीज बाय 20% डिस्टेंस, तो आप जानते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a। क्यों भैया, तो ये देखिए यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर एस वन। 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.2 का u का होल स्क्वायर, यस टू अपॉन यस वन करेंगे 1.44। दोनों तरफ एक माइनस करिए, क्यों, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीमेंट के लिए फाइनल माइनस, ये देखिए फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, 0.44 इंटू 100 यानी 44% हो गया, कितना हो गया 44%, ठीक है भाई। चलिए 47 के बाद 48 चलते हैं। स्पीड ऑफ कार इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन ट्रेवलिंग डिस्टेंसेस। चलो भैया यहाँ तक यू है, ये यू बाई 3 हो रहा है, यस कर रहा है, कितना डिस्टेंस चलेगा रुकने के लिए, तो मान लो यहाँ रुक जा रहा है, ठीक है ना भाई, कितना चल रहा है, तो ये देखो ये डिस्टेंस कितना है, यस है, और ये 1/3 यू बाई 3 वेलोसिटी चल रहा है, तो आप जानते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वह यस बाई 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यस बाई 9 होगा कि कुछ और हो जाएगा, नहीं यू बाई 3 चलती है, एक मिनट देख लेते हैं। पहले हम इसका एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं इस जर्नी का, ये एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू, ये देखो यू स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है माइनस 2as, या क्या हो जाएगा 8 यू स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू माइनस 2as। चलिए हो गया, अब दूसरे कंडीशन में यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 जा रही है, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 9 माइनस 2as डैश। चलो दोनों को डिवाइड कर लो, अगर दोनों को डिवाइड कर लोगे, इसको और इसको डिवाइड कर लोगे, तो यस डैश इक्वल टू यस बाई 8 आ जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस यस बाई 8 आ जाएगी, और तुमको यहाँ से पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, यस प्लस यस बाई 8 यानी 9 यस बाई 8, तो 9 यस बाई 8 का मतलब कौन सा हो जाएगा, सी वाला, समझ गया ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू देखो, एक इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया, यू स्क्वायर को इधर लेते हैं ना, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, तो यस डैश इक्वल टू यस बाई 8। 48 के बाद 49 करा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कॉन्स्टेंट एक्सीलेशन से बॉडी कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन टाइम टी, तो आप जानते हैं कि इक्वल डिस्टेंस जो बॉडी कवर करती है उसका रेशियो कितना है, टी वन इंस टू टी टू का मतलब 1:√2-1 होता है, तो करा कि इतने में कितना, हाँ बॉडी ने क्या है कवर कितना टाइम लिया, तो इसके लिए क्या करते हो, रेशियो सम निकालते हो, तो चलो रेशियो सम निकाल लो, 1:√2-1 कट गया यानी ये रूट टू आ गया, तो इसका पार्ट कितना हो जाएगा, रूट टू माइनस वन इंटू टोटल टाइम अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन रूट टू, तो ये बताओ कौन बता रहा है, रूट टू कट गया, 1-√2 सी वाला बता रहा है, कौन बता रहा है, सी, ठीक है। 50 क्या कर रहा है, ए पार्टिकल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन इफ एसएन इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट फ्रॉम टाइम टी इक्वल टू एन माइनस 1 सेकेंड टू टी, द रेशियो ऑफ एसएन अपॉन एसएन प्लस 1, तो ये देखो एसएन कितना हो जाएगा, ये बताओ एसएन, ठीक है, रेस्ट से चल रहा है तो ए बाई 2 2n-1, या ये बताइए n माइनस 1 और n सेकेंड के बीच की डिस्टेंस nth डिस्टेंस कहलाती है, और यस n प्लस 1 क्या कहलाता है, a बाई 2, ये देखो 2n की जगह रख देना, n प्लस 1 माइनस 1, कटम कुटम 2n-1 अपॉन दो दूनी 4 n प्लस 2-1 2n-1 या 2n-1, ये 4n कहाँ से आ रहा हो, ये अच्छा सॉरी n है 2n+1, तो 2n-1 अपॉन 2n+1 यानी कौन सा हो जाएगा a, ठीक है a वाला, तो ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं, तो इसको मिला लो बेटा, ठीक है ना,
मिलाने के बाद फिर अगर कोई दिक्कत होती है तो क्लास में मिलकर पूछ लीजिएगा। हाँ पूछिए भैया, क्योंकि देखिए 2 साल आपके पास हैं, अगर आप अपने आप को संभाल लेंगे तो बेटा दिल्ली एम्स दूर नहीं है, दिल्ली एम्स दूर नहीं है, बस 2 साल खूब मेहनत कर लो। और मुझे उम्मीद है बेटा कई लोग बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, ठीक है नन्हे मुन्ने बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू बच्चों।